गाइडेंस की। देखिए जब डिफेंस इक्विपमेंट की बात होती है, आपने जिस बात का जिक्र किया और आपने भव्या लाल का भी जिक्र किया जिन्हें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है, और खास बात ये भी है उनके बारे में, हम सब जानते हैं वो भारतीय मूल की है, अमेरिकी है, और साथ ही साथ जो नासा में इस वक्त जरूरी बदलाव करने उसके लिए जो बाइडेन ने उन्हें जो कमेटी बनाई है उसका सदस्य भी बनाया है, तो आप देखिए कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। और हमारे साथ एएस बहल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहल साहब, आज पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान अपनी ताकत का जो मुजाहरा कर रहा है इसका हमारे देश को तो निश्चित तौर पर फायदा हो रहा है, और डिफेंस सेक्टर में हम और मजबूत और ज्यादा ताकतवर होते नजर आ रहे हैं, लेकिन दुनिया के सामने ये जो एग्जीबिशन लगाई गई इसका क्या फायदा आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं? जो होगा, पहले मैं बात करना चाहूंगा, जो आपने एक बड़ा अच्छा मुद्दा शुरू किया था कि स्पेस का, नासा का, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत में अभी दो तीन दिन पहले बहुत अहम डिसीजन लिया गया कि स्पेस सेक्टर को हम खोल देंगे। ये डिसीजन दो तीन दिन नहीं, अगस्त या सितंबर लास्ट ईयर लिया गया था, लेकिन इसका फायदा अब से शुरू हो रहा है। और ये जो डिपार्टमेंट है इसको इन स्पेस बोलते हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर गिना जाता है, और इसकी वजह से ये प्राइवेट सूरज किरण हवाई जहाज युद्धक विमान आज जब भारत दुनिया के कई देशों के सैटेलाइट को लेके ऊपर जाता है और उनको लॉन्च करता है, तो कम जहां पे भारत के जो कंपोनेंट्स बनते हैं कई कुछ विदेशों में भी बनते हो, वो अब इंडिजनाइज होते जाएंगे, जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी पूरा होता जाएगा ये प्राइवेट इंडस्ट्री की कोऑपरेशन के साथ। ये बहुत अहम कदम था स्पेस। बिल्कुल बिल्कुल, बहल साहब बने रहे हमारे साथ था। तो देखिए आज जिस बात का मैंने पहले जिक्र किया, तमाम बड़ी खबरें, एक तरफ ये एयरो इंडिया शो चल रहा है और दूसरी तरफ